मैं अपनी जमीन क्यों बेचूं? मैं अपनी जमीन बचाना चाहती हूँ, बेचना नहीं। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो बीन्स, एक बार उनकी बात तो सुन लो तुम। बीन्स बात तो सुनो, अरे रुक जाओ। सरपंच ने अंदर बुलाया है। पानी मिस्टर रेंगो, पानी। पानी के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। पानी अगर है तो जीवन है। देखो बेचारों को पानी की प्यास इतनी कि मौत की भी परवाह नहीं करते। रेगिस्तान का पुराना नियम है ये, तुम्हारे पास पानी है तो तुम सर्वशक्तिमान हो। ये मेरी अपनी जमा पूंजी है। True man of the West as you are. Oh yeah. The West is the best. This is from my private stock. सालों पुराना है ये पानी बरखुरदार। नहीं, सदियों पुराना पानी नहीं है ये। मैं क्या इतना बुढ़ा लगता हूँ? आप सरपंच हो तो इतना तो बनता ही है। तुम्हारी सोच अच्छी है बेटे, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए सरपंच नहीं बना था। वो ये यहाँ गांव बसने से पहले ही मैं सरपंच था। मुझसे जितना बन सका मैंने किया, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस गांव का भविष्य उज्जवल है। तभी तो तुम भी यहाँ आए हो। ये जाम गांव के नाम, गांव के नाम। इन्हें देख रहे हो मिस्टर रेंगो, मेरे दोस्त, मेरे साथियों को? इनका जीवन आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ये लोग क्यों अब तक यहाँ रह रहे हैं? क्यों? उन्हें विश्वास है, विश्वास है कि अच्छे दिन आएंगे, विश्वास है कि पानी इस गांव में जरूर आएगा। बद से बदतर होते हालात और जिंदगी के सख्त चंगुल में फंसे रहने के बावजूद इन्हें तो बस विश्वास का सहारा चाहिए, और आज वो तुम पर विश्वास करते हैं। ये इंस्पेक्टर का बैज है, तुम इसके हकदार हो। लोगों के विश्वास को कभी तोड़ना मत। It's almost noon. Is everything ready? Yeah, but he might be a problem. He's not a problem, William. He's a solution. मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ लोग प्यास के मारे मर रहे हैं और हमारे सरपंच की सेहत देखी आपने? क्या आपको जरा सा भी शक नहीं होता? और वहाँ रेगिस्तान में जो पानी फेंका जा रहा है वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। ठीक है, तुम इतना घबराते काहे को है? हम सरपंच का जांच करेगा, पर अगर तुमको लगता है कि गांव में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो हम तो कहेगा कि नए इंस्पेक्टर से मिल लो तुम। ये कलर बहुत अच्छा है दोस्त। अबे सुई संभाल, यहाँ वहाँ घुस जाएगी, संभाल के जरा। हाँ पड़ा तो पूरा का पूरा फट जाएगा। माफ करना खरीदार साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। अरे बीन जी, देखो नया यूनिफॉर्म सिलवाया जस्ट ना, टोपी देखी, झकास है कि नहीं? अच्छी है। जानती हो कैसी हो बीन्स? कैसी हो बिंदु? बेहया, बदचलन, कल नहीं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर जी, फिर चला आओ मैं तो तुम्हारा थोबड़ा उड़ा दूंगा। मुझे तो बस मेरी किताब में। तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए था? नो प्रॉब्लम है, इसे पकड़ो। खरीदार साहब आपसे बात करनी जरूरी है। गोली दी है। पता है पता है, दोपहर के प्रार्थना मीटिंग की बात करनी है। मुझे किसी की शिकायत? देखिए ऑटोग्राफ चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लीजिए। मेरी बात तो सुनो, ऑरेंज कलर की फ्रॉक पहनो, तुम्हारे चेहरे के साथ मैच होगी। क्या? ध्यान से सुन बेटा, फूल गोभी खाना, पढ़ाई करना, बड़ा होकर एक बड़ा वेटर बनेगा। मेरी बात सुनिए, आप ही के थाने में आप ही की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। यहाँ मैं मेरे पिताजी की जमीन और गांव वालों के पानी की रक्षा करना चाह रही हूँ, और आप इस चुड़ैल के साथ घर घर खेल रहे हैं। कितनी भद्दी है बेचारी, काम के बोझ की मारी। ये ऐसे हैंग क्यों होती है? बचपन में सिर के बल गिरी थी, दिमाग के तार हिल गए। फिर ये सर्कस में क्यों नहीं है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? मैंने कल रात ही ये फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म? खैर ये सब बातें, बताया कि पिछले इंस्पेक्टर का क्या हश्र हुआ था।